أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم. परसों जो अहले हदीस आए मुलाकात के लिए, काफ़ी देर हमारी गपशप हुई, वो एक बात की उन्होंने कहा देखें मैं लंदन में रहता हूँ, ये फ़िरकावारियत यहाँ है, पड्डेबाजी, वो अहले हदीस, वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो फलाना, वो टांगे चौड़ी, वो पतली, जोर से हाँ पड्डेबाजी। उसने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जब बिगड़ता है ना लंदन में या अमरीका में, बच्चा जब बिगड़ता है तो हमारे पास तबलीगी जमात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम ये क्लिप नहीं सुनवाते कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक है और वो कुरान और हदीस के, वो कह रहे और बदतमीज बन जाता है, वो इसको ये क्लिप सुनाओ ना, वो झगड़े, वो फलाना रफुलदैन और आमीन और फलाना और डिमकाना, कह रहे ये नहीं, हम उसको कहाँ भेजते हैं, कह रहे दर्जनों इख्तलाफ के बावजूद हमें मिलती क्या है यार, इधर भेजो। तो ये जर्फ भी किसका है भाई, एक पूरी दुनिया, अरब भेजते हैं, अरब से जब अपने बच्चे नहीं संभलते कहां भेजते हैं, तबलीग में चिल्ला लगा के आओ, है ना। तो ये जर्फ, ये कौन, कहां से इसकी, ये इसके ताने बाने देवबंद से मिलते हैं। पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि आपका बच्चा भी बिगड़ेगा, अल्लाह ना करे मेरा भी बिगड़ जाए, तो मुझे इनके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, कि पहले चिल्ला लगवा लो, थोड़ा सा इंसान का बच्चा बन जाए, फिर टांगे चौड़ी करवाऊंगा मैं या पतली करवाऊंगा, वो बात की बात है, इंसान का बच्चा तो बनाओ इसको। बल्कि वो चबली में चिल्ला लगा के ये मसाइल ही नहीं रहते उसको, वो कहता है नमाज पढ़ो, तकबीर उला के साथ, इन चीजों पे आता है वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उलमा का एहतराम, मसाइल का इल्म उलमा से, तबलीग में एक चीज सिखाई जाती है, मसाइल का इल्म उलमा से, फजाइल का इल्म तबलीग के हलकों से। तबलीग में तो कहीं नहीं सिखाया जाता मसाइल का इल्म इंजीनियर और प्रोफेसर से, है भाई कहीं देखा आपने भाई, उलमा से, वो एक उसूल है भाई, हर चीज उसके अहल से मिलेगी। तबलीग में बिल्कुल मसाइल नहीं बयान किए जाते भाई, जिसको जिस आलिम पर एतमाद है उससे मसला पूछे, दूसरे के खिलाफ उंगली ना उठा, कैसा बेहतरीन खूबसूरत उसूल बयान कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की जो बहुत ज्यादा मेहनत है उसमें बड़ा किरदार हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबों का है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, उनकी रिसर्च है जिनसे उन्होंने, और बाकी भी जो है वो अहमद दीदात से डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीखा, और अहमद दीदात के ताने बाने भी जाके देवबंद से मिलते हैं। मौलाना हबीब केरानवी साहब की तहकीकात हैं जिनसे अहमद दीदात ने फायदा उठाया है। मैं यहां देवबंदियत के प्रचार के लिए नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ दिफा में तो अल्लाह ने कहा ना कि बोल सकते हो, हमारी बला से कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यामत में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिनके खिलाफ सुबह शाम आप बोलते हो, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाए, समझ रहे कि नहीं?